बेसिकली इसके अंदर फाइव फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर जो है वो है एस्ट्रागोन, सेकेंड वन इज लडमिर, इसमें वी साइलेंट रहेगा, लडमिर इसको प्रोनाउंस करेंगे। थर्ड वन इज ओजो एंड फोर्थ वन इज लकी एंड फिफ्थ जो है वो एक बॉय है। बॉय जो है उसको एज अ मैसेंजर दिखाया गया है। ठीक है, लडमिर, बी एल ए डी आई एम आई आर, लडमिर इसको प्रोनाउंस करेंगे। अब बेसिकली इस ड्रामे को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि जितना आप करेक्टर्स को समझोगे ना, करेक्टर्स के दरमियान कंपैरिजन और कंट्रास्ट को समझोगे, उतने ही आपको इनके डायलॉग्स के पीछे सिचुएशंस जो हैं वो अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो फर्स्ट हम इन दो करेक्टर्स की बात कर लेते हैं, एस्ट्रागोन एंड लडमिर की। अब ड्रामे में होता ये है, ये स्टेज है सपोज, ठीक है, स्टेज के ऊपर, स्टेज कैसा दिखाया गया है, स्टेज इस तरह से दिखाया गया है, मतलब वो जगह ऐसे दिखाई गई है कि वो खंडरात है, ठीक है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, मतलब के जैसे कहना चाहिए ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, ठीक है, ज़मीन जो है ना वो पथरीली है, ठीक है, और इर्द गिर्द जो है ना वो बस रेतला सा इलाका है समझ लो, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाया गया कि एक पहाड़ जैसी चोटी बनी हुई है, उसके ऊपर भी ऐसे छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है, छोटी सी चोटी है। ड्रामा वहीं पे शुरू होता है और वहीं पे ख़त्म होता है। अगर देखने बैठे 5 मिनट देखोगे ना आप जाओगे, ठीक है, लेकिन वही बात है कि आपने असल में सिचुएशंस को समझना है और उनके एक्सप्रेशंस को समझना है और उन वो उनकी कौन कौन सी चीज़ क्या सिम्बलाइज कर रही है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो होता ही है कि स्टेज है, मतलब कि थोड़ा सा पथरीला इलाका है और एक छोटा सा पहाड़ टाइप बना हुआ है और वहाँ पे एक दरख्त लगा हुआ है, ठीक है, और वो दरख्त ऐसा जैसे ऑटम के सीज़न में होता है ना दरख्त, कोई पत्ता नहीं है उसके ऊपर, ठीक है, कोई उम्मीद नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं। हाँ, समझ रही है बच्ची, गुड गुड। तो अब वहाँ पे दो करेक्टर्स मौजूद हैं, एस्ट्रागोन मौजूदा और लडमिर मौजूदा। अब एस्ट्रागोन, ड्रामा शुरू इस तरह से होता है, मतलब ये जगह है, एस्ट्रागोन आके बैठेगा, मतलब इस तरह बैठ गया और फरसुदा सा उसने मुंह बनाया हुआ है, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो इस तरह बैठता है, उसका एक बूट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइट है, ठीक है, वो उसको ना खींचने की कोशिश कर रहा है, ऐसे उसको जोर लगाने उतारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पिछले रात कहीं गया था और उसका बूट किसी के साथ एक्सचेंज हो गया था, तो एक बूट उसके अपने साइज का, दूसरा उसके साइज का नहीं। अब वो उतारने की उसको कोशिश कर रहा है लेकिन बूट उसका उतर नहीं रहा, तो वो लडमिर से बार बार कहता है कि हेल्प मी, हेल्प मी, कि उसे पेन हो रही है। हाँ, ठीक है, हाँ, अब वो उतारने की उसको कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो उतर नहीं पाता और उसको पेन हो रही है और वो बार बार ये चीज़ कहते हैं कि मुझे पेन, तकलीफ हो रही है, और फिर वो लंगड़ा के भी उसमें दिखाते हैं कि वो चलता है, ठीक है, एस्ट्रागोन। दूसरी तरफ लडमिर जो है ना, अब ये चीज़ें आपने थोड़ा सा खुद से अज्यूम भी बनाते जाना है कि क्या चीज़ सिम्बलाइज कर रही है, जैसे हिना बता रही है साथ साथ, ठीक है। अब लडमिर जो है ना वो थोड़ा सा ना, मतलब कि इस तरह से चलता है टांगों को, मतलब थोड़ा सा खोल के, वाइड अपार्ट, वाइड अपार्ट उसको कहते हैं, यानी थोड़ा सा खोल के उसको ना टांग को इस तरह से चलता है। अब लेकिन ये है कि अगर आप इनको करेक्टर्स को देखो तो अनटाइम की एक्टिंग कमाल है, ठीक है, मतलब इस तरह से प्रेजेंट करना और एक्सप्रेशन भेज सब कुछ होना। तो एस्ट्रागोन और लडमिर बेसिकली जो दो करेक्टर्स हैं, नहीं, इन अदर सेंस आप ये कह सकते हो कि अब हम ये तो नहीं बिल्कुल भी कह सकते कि उनको अब उनको पता होगा ना कि जी मैंने इस तरह से परफॉर्म करना है, लेकिन असल में आप यूं कह लो कि उनको ऐसे दिखाया गया है कि तुम्हारा डायलॉग्स कहने की तरफ थोड़ा सा रुझान नहीं, बल्कि तुम्हारे एक्सप्रेशन और तुम्हारा चलना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा इधर उधर देखना, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं कि तुम, हाँ हाँ, एक होता है कि आपके एक्सप्रेशन से आप बोल क्या रहे हो उसकी तरफ ध्यान चला जाए,
एक होता है कि आप बोल करें उसकी तरफ ध्यान ना जाए, आप दिखाना क्या चाह रहे हो उसकी तरफ ध्यान जाए, ठीक है। तो ये ड्रामा थोड़ा सा इस किस्म का है। अब करेक्टर तो उन्हें दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने मतलब बस ऐसे ही उन्हें एक पपेट की तरह दिखा दिया गया है अब। लेकिन वो कर तो रही है एक्टिंग, डेफिनेटली सी बात है। अच्छा तो मैं ये बात कर रही थी कि हाँ मैं यहाँ पे थी। हाँ कि वो अपना मुंह तो उतारता है। अब फर्स्ट 2-3 लाइन्स में इसका पहला ही डायलॉग आता है, जब वो बूट नहीं उतार पाता तो वो कहता है कि नथिंग टू बी डन। और ये अक्सर जगह पे उसका ये डायलॉग आया भी है कि नथिंग टू बी डन। अब उसके बाद लडमेर जो है वो इधर उधर चल रहा है, और कुछ ही देर गुजरती है, लडमेर ना कुछ याद करने की कोशिश करता है और उससे ना जीसस क्राइस्ट की बात करना शुरू कर देता है कि तुम्हें याद है वो बात के मतलब के जीसस क्राइस्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में 3-4 बातें करता है। तो एस्ट्रागोन उस पर ध्यान नहीं देना चाहता वो बस। फिर ना थोड़ी देर बाद सोचने के बाद एस्ट्रागोन कहता है, फिर उसे ना उसके उसको ख्याल भी है उसके जहन में आता है कि ना हाँ जब आएगी ना क़यामत आएगी, तो जिस तरह हमें कॉन्सेप्ट रिलीजन में दिया जाता है कि अब वो कहता है कि ये चीज़ जो है ना मेरे अंदर थर्स्ट पैदा करती है कि जी जैसे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है दूध की नदियाँ होंगी, ऐसे होगा वैसे होगा मज़े होंगे, ठीक है। तो वो ऐसा कौन भी ये चीज़ जीन जब माइंड में बनाता है ना उसकी मतलब बातों से सुन के, तो वो फिर लड़में से कहता है कि मेरे अंदर ये चीज़ है ना मुझे थर्स्टी कर देती है। अब एक चीज़ आपने बस जहन में रखनी है कि ये दोनों करेक्टर जो है ना वो तमाम तरह ह्यूमन बींग्स को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो आगे जाके हम अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या सिचुएशन है इनकी, ये बातें उनकी दरम्यान में होती हैं। अब वो दोनों फिर ना आपस में अब अच्छा उनके डायलॉग जो है ना वो रिपीट भी होते रहते हैं। लडमेर जो बात करता है वो ही रिपीट में वो करता है, ठीक है। तो अब वो कहता है, लडमेर उससे पूछता है अच्छा क्या तुम्हें ज़्यादा पेन हो रही है, तो ऐसा वो इस बात पे गुस्सा कर जाता है और कहता है कि ये मुझसे पूछ रहा है कि मुझे तकलीफ हो रही है, यानी इसे पता नहीं मुझे तकलीफ हो रही है, ठीक है। इस तरह की वो बात करता है। फिर नेक्स्ट थोड़ी देर इधर उधर फिरने के बाद ना लडमेर फिर कुछ सोचने की कोशिश करता है, और जो एस्ट्रागोन है ना वो बेंच सा बना होता है उसके ऊपर जाके बैठ जाता है और ऐसे ड्रीम की कैफियत में वो चला जाता है। फिर उस जब एस्ट्रागोन इधर उधर घूम रहा होता है तो एस्ट्रागोन के जहन में कोई बात आती है एकदम से, वो तेजी से दौड़ता पाता है और एस्ट्रागोन को ऐसे झटका दे के ना उसको उठा देता है, वो नींद में था उसको उठा देता है। तो वो एकदम से खौफजदा हो जाता है कि क्यों मुझे तुमने नींद से ना उठाया दिखाया। तो वो फिर उसको उसको बताता है कि तुम्हें पता है हम ना गोडो आने वाला है, हम गोडो का इंतजार कर रहे हैं और वो यहीं पे आएगा। तो एस्ट्रागोन कहता है कि तुम्हें तुम्हें कैसे पता है कि वो यहीं पे आएगा, क्या तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि वो यहीं पे आएगा। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि वो यहीं पे आएगा, यहीं पे उसे आना चाहिए। फिर वो इंतज़ार करते रहते हैं उतनी देर में ना एस्ट्रागोन को भूख लग जाती है और लडमेर जो है वो अपनी जेब में से पहले मैंने क्या कहा सीरियसनेस की जरूरत है। अच्छा लडमेर जो है वो कभी निकालता है टर्निप, फिर रेडिश और कैरेट इस तरह की चीजें निकालता है। तो एस्ट्रागोन जो है वो कहता है लडमेर से कि मुझे हमेशा वही चीजें खानी पड़ती हैं जिनको मैं पसंद नहीं करता, और एस्ट्रागोन लडमेर कहता है कि मैं वही चीजें हमेशा इस्तेमाल करता हूँ जिनकी मुझे जरूरत होती है, ठीक है। ये तो मतलब उसने ये बात करता है। तो उसके बाद फिर वो ही गुफ्तगू करने लग पड़ते हैं कि गोडो आएगा कि नहीं आएगा। एक्ट 1 इन्हीं सिचुएशंस में गुजराता है। एक्ट 1 में फिर दो कैरेक्टर्स, हाँ ये दो कैरेक्टर्स फिर एंटर होते हैं, पोजो एंड लकी। पोजो जो है वो बेसिकली एरिस्टोक्रेट है, ठीक है, और इसने जो है ना एक रस्सी इसके हाथ में मौजूद है और उसका जो सिरा है ना उसने उसके गले में बांध रखा है, ठीक है। जैसे किसी कुत्ते के गले में रस्सी रस्सी डालते हैं। हाँ लक्की जो है वो स्लेव क्लास से ताल्लुक रखता है और ये एरिस्टोक्रेट से। तो अब जैसे ही ये दोनों करेक्टर्स आती हैं स्टेज के ऊपर, फिर भी स्टेज के ऊपर कुछ चेंज नजर नहीं आती, ठीक है, इनके डायलॉग से। ये भी वही बातें जो है वो रिपीट करने लग पड़ते हैं। अब लक्की जो है वो ऐसे सर नीचे करके इस तरह करके बैठा था, वो बस कभी कहता है कि मेरा स्टूल ले आओ, कभी कहता है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, ठीक है, इस तरह की। हाँ नहीं, पोजो लकी से मांगता है ना,
वो मतलब उसे ओबे करता जाता है जैसे जैसे वो उसको प्रेजेंट करता है। तो एस्ट्रागोन जो है वो लकी के करीब आता है और उसे ऑब्जर्व, दोनों उसे ऑब्जर्व करने लग पड़ते हैं। कभी कहते हैं लकी, लकी को देख के कहते हैं कि ये गोडो है। फिर पोजो के पास जाते हैं, पोजो को ऑब्जर्व करते हैं और उसको ऑब्जर्व करने के बाद वो एज्यूम बनाते हैं कि क्या ये गोडो है। तो फिर पोजो उनको कहता है कि नहीं, मतलब मैं तो गोडो नहीं हूँ, मेरा नाम पोजो है। फिर वो उसके नाम को लेके मतलब डिफरेंट किस्म के एज्यूम बनाते हैं, कभी पोजो पोजो नहीं तो कभी इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के ना उसके नाम बना लेते हैं। तो इस तरह की इनकी गुफ्तगू जारी रहती है। फिर तभी जो है ना बॉय आता है और बॉय लडमेर को क्योंकि जानना चाहता है कि गोडो कहाँ है, कब आएगा। तो वो बॉय जो है वो उससे पूछता है, बॉय से वो पूछता है कि गोडो कब आएगा। तो बॉय उसको लडमेर को कहता है कि वो आज नहीं आएगा, वो कल आएगा। ठीक है, रात गुजर जाती है, अंधेरा हो जाता है, पोजो और लकी चले जाते हैं। ये एक्ट वन की बात बता रही हूँ। पोजो और लकी चले जाते हैं, उसके बाद अगली सुबह हो जाती है और वही स्टेज है, वही जगह है और वही दो करेक्टर्स हैं और वो अभी तक इंतजार पे इंतजार किए जा रहे हैं गोडो का। ठीक है, लेकिन वो नहीं आता। तो उसके बाद फिर एक्ट टू के अंदर क्या होता है कि पोजो और लकी जब दोबारा अपियर होते हैं, ठीक है, पहले ये एरिस्टोक्रेट था और ये जो था ये स्लेवरी पे था। अब एक्ट टू के अंदर जब ये आते हैं तो ये ब्लाइंड हो चुका है पोजो, ठीक है, और लकी जो है ये बहरा हो चुका है, ऐसे सुनाई देता। यानी कि एक्ट टू के अंदर जब दिखाया गया है तो पोजो जो है वो डिपेंड कर रहा है लकी के ऊपर। ठीक है, डिपेंडेंट, उनकी डिपेंडेंस उनकी बदल गई है। तो ये सिचुएशन दिखाया और एट द एंड दोबारा बॉय अपियर होता है और लडमेर उससे पूछता है कि कब आएगा गोडो। तो बॉय फिर दोबारा यही कह के चला जाता है कि गोडो आज नहीं आएगा। और फिर रात हो जाती है और हाँ, और शाम हो जाती है और ड्रामा खत्म हो जाता है। लेकिन एट द एंड सिचुएशन ये दिखाई जाती है कि इंतजार अभी जारी है गोडो का। ठीक है, ये मतलब के ड्रामे में ये है, अगर आप इसके टेक्स्ट पढ़ोगे। अब इसकी मैं अब थोड़ा सा ये डिस्कस कर देती हूँ कि बेसिकली ये करेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। ठीक है, एस्ट्रागोन अलर्टनेस। एस्ट्रागोन जो है इन दो करेक्टर्स के अंदर कंट्रास्ट ये मौजूद है कि एस्ट्रागोन जो है ये ड्रीमी पर्सन है। ठीक है, ज्यादातर ये ड्रीम्स में रहना पसंद करता है और ये इस चीज के ऊपर क्लेम करता है कि वो जो मैंने अभी बात बताई थी कि अपनी पसंद से ये कुछ नहीं कर सकता, ये डिपेंडेंट पर्सन है, ज्यादातर ये डिपेंड करता है लडमेर पर। ठीक है, और एक दफा ऐसा भी हुआ था कि लडमेर ने इसकी जान भी बचाई थी, कुछ लोगों ने इसको मारा भी था। अब उनको उन लोगों को भी क्लियर नहीं किया गया। यहाँ पे एस्ट्रागोन बस ये कहता है कि उनको दे कहता है कि उन्होंने मुझे मारा था। अब वो उन्हों कौन है ये ड्रामे के अंदर क्लियर नहीं किया गया है। तो ये ज्यादातर डिपेंडेंट करेक्टर है एस्ट्रागोन, लडमेर पर डिपेंड रहता है और ड्रीमी पर्सन है। ठीक है, और ये हिस्ट्री को नहीं मानता, ये हिस्टोरिकल चीजों से जो है ये दूर भागता है। ये बस इस बात पे फोकस करता है कि प्रेजेंट सिचुएशन पे ये चलता है कि जो आज है ना बस वही है, पास में जो कुछ गुजर गया उसको ना दोहराओ या उसके बारे में ना बात करो। लेकिन इन दोनों की जो फ्रेंडशिप है, इन दोनों की जो आपस में फ्रेंडशिप है, ये एक किस्म की उकताहट को शो आउट कर रही है। ठीक है, कि एक दूसरे से उकताए भी हुए हैं और एट द सेम टाइम एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हैं। ये है असल में इन दोनों के दरमियान में। और एज कम्पेयर टू, और ऐसा हो जो है वो इंटेलेक्चुअल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, डिपेंडेंट है क्योंकि, तो इंटेलेक्चुअल और फिलोसफिकल नहीं है ये। तो एज कम्पेयर टू एस्ट्रागोन, लडमेर का आप करेक्टर थोड़ा सा देख लें। लडमेर जो है एज कम्पेयर टू एस्ट्रागोन ही इज इंटेलेक्चुअल वन, इंटेलेक्चुअल है, हिस्टोरिकल बात करता है, आइडियाज आइडियल है, आइडियाज जो है वो उसके जहन में आते हैं और ये उसको शेयर आउट करना चाहता है एस्ट्रागोन के साथ। और ड्रीमी ये नहीं है, इंटेलेक्चुअल है। ठीक है, हिस्टोरिकल सिचुएशंस को ये लेता है
और हाँ, एक और बात यह है कि एस्ट्रागोन को सिर्फ और सिर्फ गर्व है अपनी ही तकलीफ और अपनी ही सफरिंग से, ठीक है, जबकि जो लडमिन है वो दूसरों की तकलीफ और दूसरों की सफरिंग्स को भी रियलाइज करता है और हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। तो ये इन दोनों के दरमियान में कंट्रास्ट मौजूद है। अब अगर आप इसको, हाँ, सेल्फ इम्पोर्टेंस देता है वो। चलो जी, अब ये मैंने कर दी बात ड्रामे के हवाले से। अब असल में राइटर क्या दिखाना चाहता है, अब इसको थोड़ा सा बाहर आके हम देख लेते हैं। अगर हम एस्ट्रागोन के करेक्टर को देखें तो हम तमाम लोग ही इस ड्रामे से बाहर निकल के अगर सोचें तो हम ड्रीमी सिचुएशन में जी रहे हैं, ठीक है, एलुयंस में जी रहे हैं। हम क्वेश्चन नहीं करना चाहते, हम रियलाइजेशन करना नहीं चाहते, हमें जो एक सेट पैटर्न दे दिया गया है हम इसी उसी के ऊपर चल रहे हैं। कुछ ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं, ठीक है, एस्ट्रागोन की तरह, कि अपने उन्हें बस ये गर्ज है कि हमारे साथ ये हो गया, ठीक है, हमारे साथ जो बुरा हुआ वो ठीक हो जाए, ठीक है, ये सिचुएशंस है। और वो इस उसके लिए इंसान की ये फितरत है कि वो दूसरे पे डिपेंड भी होना चाहता है, ठीक है, दूसरे के डिपेंडेंस और दूसरे की सिंपथी वो गेन करना चाहता है। तो ऐसा वो उनका भी सेम इसी तरह का करेक्टर है। और तमाम ह्यूमन बींग्स हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं ना, ड्रीमी एलुजन्स रिलीजियस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चल रहे हैं, डिपेंडेंट भी हम होना चाहते हैं, हम सफरिंग्स को भी फेस कर रहे हैं, और हमें ज़्यादातर एज कम्पेयर टू अदर्स हमें अपनी सफरिंग्स दिखाई देती हैं, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट उसने ये भी रखा गया, जो मैंने कैरेट और उसके टर्निप की बात की, तो वो ये कहता है कि मुझे वही खाना पड़ता है जो मुझे, मतलब मेरा जिसमें दिलचस्पी नहीं होती है। तो उसकी उसका कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड में ये है कि इंसान को ना चाहते हुए भी वो करना पड़ता है वो, हाँ, या इंसान को ना चाहते हुए भी सफरिंग भी और स्ट्रगल भी और अपनी लाइफ के कॉन्सेप्ट भी, जिसे हम आम जुबान में उर्दू में हम समझौता कह देते हैं, जिसे मे भी वो हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हाँ, तो ये चीज़ें उसने मतलब एस्ट्रागोन के करेक्टर के अंदर दिखाई हैं। अब एज कम्पेयर टू लडमेर को अगर हम रियलाइज करें, लडमेर का करेक्टर जो है वो इंटेलेक्चुअल है, क्योंकि तो वो बार बार क्वेश्चन रेज करना चाहता है। एस्ट्रागोन उस बार ये बात नहीं दोहराता कि गोडो आएगा या नहीं आएगा। लडमेर जो है वो इस चीज़ की तलाश में है कि गोडो कब आएगा, और वो फिलोसफिकल बात करता है, हिस्ट्री को वो खंगालने की कोशिश करता है, ड्रीम्स को वो पसंद नहीं करता, रियंस को वो पसंद नहीं करता, जैसे कि एस्ट्रागोन करता है। तो एज कम्पेयर टू राइटर ने फिर यूं भी हम कह सकते हैं कि मे बी लडमेर जो है वो राइटर का माउथ पीस हो सकता है, या वो उन तमाम लोगों को भी रिप्रेजेंट कर सकता है लडमेर जो कि मॉडर्न वन है, ठीक है, जो कि इस तरह के कॉन्सेप्ट से बिलीव रखते हैं जो राइटर्स ने इसके अंदर शो आउट की कर दिया है इस ड्रामे के अंदर, कि जी क्वेश्चन करो, आप इस चीज़ को जानो पहचानो कि आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, वो आपका एम है, वो आपकी स्ट्रगल है, वो आपकी हेल्पलेसनेस है, क्या चीज़ है वो जिसका आप इंतजार कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे ये देखो, अब लडमे जो है वो अपने ऊपर ही डिपेंडेंट है, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता। तो ये, हाँ, इंडिपेंडेंट मॉडर्न मैन इंडिपेंडेंट। अब लडमेर जो है वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, या वो एक ही किसी रिलीजियस बिलीफ के ऊपर फोकस नहीं करना चाहता, ठीक है, इसीलिए वो मॉडर्न मैन हुआ ना, मुख्तलिफ किस्म के वो एज्यूम्स बनाता है और उसको शेयर आउट करना चाहता है। तो इट्स मीन के राइटर ने क्या दिखाया है कि रियलाइजेशन और फिर शेयरिंग उस चीज़ की दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ, और फिर क्वेश्चन रेज करना, ये तमाम चीज़ें उसने उसको एज अ मॉडर्न मैन इसको रिप्रेजेंट कर दिया इसके अंदर। हाँ, इन दोनों करेक्टर्स के हवाले से। तो ये कौन से, अब ऐसे लोग भी मौजूद है ना, तो इसका कंट्रास्ट आपको थोड़ा सा अभी क्लियर हुआ ना कि एस्ट्रागोन किस तरह का मतलब कि ह्यूमन बींग दिखाया, और उसको अब दोनों तरह के उसने कहा है कि ये यूनिवर्स में ये दोनों तरह के चीज़ें मौजूद हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है इन दोनों करेक्टर्स के हवाले से और ओवरऑल ह्यूमैनिटी के हवाले से, कि एस्ट्रागोन जो है वो फिजिकल डिलाइमास का शिकार है, ठीक है, यानी कि आप यूँ कह लो आउटवर्ड सफरिंग्स है उसको, जबकि लडमिल जो है वो उसको इनवर्ड सफरिंग्स है। अब ये दोनों सफरिंग्स ही ह्यूमन बींग्स के अंदर मौजूद हैं,
इनवर्डली भी और आउटवर्डली भी। तो यहाँ पे उसने कंट्रास्ट की फॉर्म में उसको दिखाया है। अब इसको अगर हम मज़ीद थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ तो एस्ट्रागोन जो है उसको जैसे ही ड्रामा स्टार्ट हुआ तो मैंने आपको भूत वाली बात बताई थी, ठीक है। तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटवर्ड सफरिंग को। आउटवर्ड बूट फिर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? बूट, बूट रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी सोसाइटी को, ठीक है, शैकल्स ऑफ सोसाइटी को, जिसको हम उतार के फेंक ही नहीं सकते, ठीक है। हमारे रिलीजियस कॉन्सेप्ट को ये शो आउट कर रहा है, सिम्बलाइज कर रहा है, जिसको हम उतार के नहीं फेंक सकते। ये टाइम को शो आउट कर रहा है जिसकी शक्ल से हम नहीं निकल सकते, ठीक है। तो बूट जो है वो इन तमाम चीज़ों का को शो आउट कर रहा है आउटवर्डली, जो हमारे इर्द गिर्द फैले हुए हैं। तो इसीलिए वो बार बार कोशिश करता है उस बूट को उतारने की और नहीं उतार पाता। तो बैकग्राउंड में इसको ये कॉन्सेप्ट रखा गया है। अब लडमिल जो है, शेकल्स ऑफ टाइम कहा है मैंने, रिलीजियस बिलीव कहा है, हाँ शेकल्स ऑफ सोसाइटी। और अब लडमिल के अंदर, अब ये देखो ये तमाम चीज़ें, ये आउटवर्ड सफरिंग्स हैं जिनको तमाम ह्यूमन बीइंग्स एस्ट्रागोन की तरह से उसको फेस कर रहे हैं, ठीक है, जिससे ज़बरदस्ती फेस करना पड़ रहा है। जैसे उसने कहा कि मुझे ज़बरदस्ती वो खाना पड़ता है जिसको मैं नहीं खाना चाहता, ठीक है। अब एज कम्पेयर टू एस्ट्रागोन लडमिल पे आ जाते हैं। लडमिल जो है उसको इनवर्ड डिजीज किस तरह से है, अब इसमें लडमिल के करेक्टर में ये शो आउट किया गया है कि उसके सेक्शुअल ऑर्गन के हवाले से उसको एक डिजीज लाहक है, ठीक है, लडमिल को, जिसकी वजह से वो मतलब के ठीक से चल भी नहीं पाता, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। तो उस डिजीज की वजह से अब उसकी जो वो इनवर्ड डिजीज है वो स्पेशली उस लडमिल के करेक्टर के हवाले से तो कुछ सिमुलाइज नहीं कर रही, लेकिन उसको ह्यूमन के साथ अगर हम मिलाएं अपने दौर के, तो वो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि उसका ताल्लुक जो है वो किससे है, हमारी मेंटल सफरिंग्स के साथ है। लडमिल का जो करेक्टर है या लडमिल के जो डिलेमास हैं वो हमारे मेंटल डिलेमास को, ह्यूमन बींग्स के मेंटल डिलेमास को शो आउट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को शो आउट कर रहे हैं, हमारी जिसे कहना चाहिए कंडेमनेशन ऑफ सेल्फ विल, ठीक है, या जैसे कहना चाहिए विल पावर, हमारी विल पावर को कंडेम करते हैं, ठीक है, यानी कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जिस तरह हम कहते हैं। इनर सफरिंग, साइकोलॉजिकल सफरिंग, मेंटल डिलेमास, ठीक है, हाँ, और उसे दबाव को क्या कहते हैं, सप्रेशन ऑफ इनर सेल्फ, ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारी ये इनर सफरिंग्स है ना ह्यूमन बींग्स की। अगर आप वैसे खुद से भी अज्यूम करो या सोचो तो इनर सफरिंग से आप खुद ही एक माइंड बना लो कि मेंटल डिलेमास, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और सप्रेशन कहा है मैंने, सप्रेशन ऑफ इनर सेल्फ या सप्रेशन ऑफ सेल्फ डिज़ायर्स भी कह सकते हैं, खुद की जो डिज़ायर्स होती हैं उनकी सप्रेशन। तो ये हमारे ये तमाम तर ह्यूमन बींग्स के क्या हैं, इनर डिलेमास हैं, जिसको राइटर ने इसके अंदर शो आउट किया है। अब एक और सेल्फ, हाँ इनर सेल्फ, हाँ एक और इनके हवाले से बात। अब ये आपका एक हवाले से उनका सिंबॉलिक एज्यूम भी सामने आ गया, ठीक है, सिंबोलिज्म भी सामने आ गया। एक और अहम बात इसके हवाले से, हेड के हवाले से एक अहम बात है। अब एस्ट्रागोन लडमिल जो है वो बार बार अपनी हेड उतारते हैं, कभी उसको उल्टा करते हैं, कभी उसके अंदर टिक टिक करते हैं और फिर पहन लेते हैं। अब वो हेड जो है वो भी इन्हीं तमाम चीज़ों को सिम्बलाइज कर रही है। अच्छा, अब हेड जो है वो हेड किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है, हेड इस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है कि लडमिल जो है उसके अंदर वो सोच नहीं पाता, यानी कि हेल्पलेसनेस को शो कर रही है हेड,
कि उनके दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा या उनके दिमाग में सोल्यूशन नहीं आ रहा, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ सोल्यूशन को शो कर रही है हेड, ठीक है, और हेल्पलेसनेस को शो आउट कर रही है, मिजरी को शो आउट कर रही है। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ सोल्यूशन कहा है मैंने, हेल्पलेसनेस कहा है, मिजरी कहा है, सफरिंग्स में भी मतलब वो तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब वो क्या करते हैं, अब वो इसीलिए बार बार हैट को फेंकते हैं और उल्टा उल्टा फुल्टा करते हैं और फिर पहनते हैं कि हमारे माइंड के अंदर कोई बात आ जाए, ठीक है, जिसकी मदद से हमको सोल्यूशन लेके आ सकें। हाँ, सफरिंग तो, और एक और भी चीज़ मैंने बताई है। हाँ, हेल्पलेस, हाँ, एट द सेम टाइम हैड जो है वो होप का भी सिंबल है, ठीक है, कि उन्हें होप है कि उनका जो माइंड है उसमें उन्हें उन तमाम चीज़ों का सोल्यूशन मिल जाए। और एज कम्पेयर टू एस्ट्रागोन जो है लडमेर, वो ज़्यादा हेड को ऐसे ऐसे करता दिखाई देता है, क्योंकि लडमेर जो है वो फिलोसफिकल है, हिस्टोरिकल डिस्कशंस करता है, और वो ही ज़्यादा मतलब के गोडो की वेट के लिए भी वो ज़्यादा उस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहा है, तो इसलिए वो ज़्यादा इस चीज़ को करता हुआ दिखाई देता है। अब हेड जो हैड के बारे से चलो बात हो रही है, इसको भी मैं शॉर्ट कर देती हूँ। लकी जो है इसने भी हेड पहनी हुई थी। अब लकी की भी हैड जो है वो इन्हीं तमाम चीज़ों को, स्लेवरी को, सफरिंग, मिजरी, डिस्पेयर ऑफ स्लेवरी, इसको रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जब लकी से कहा जाता है कि वो अपने बात शेयर करे या कुछ सिंग करे उनके लिए, तो वो ऐसी उल्टी पुल्टी बातें करता है, ऐसा बोलता है कि सारा कुछ ही वो बोल डालता है अपने सब कुछ, ठीक है, अपनी तमाम तर मिजरीज और सफरिंग्स, उन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और एट द एंड ये दिखाते हैं कि वो इतना लंबा सा उसका डायलॉग भी है, और उसके डायलॉग के अंदर कोई बात समझ नहीं आएगी सिवाय यही तीन चार बातों के जो मैंने आपको बताई, मेन उसका यही है उसके अंदर। तो जैसे ही वो बोलता चला जाता है, बोलता चला जाता है, वो जो तमाम लोग सुन रहे होते हैं उसकी बात, वो इतने अपसेट हो जाते हैं कि वो बस कहते हैं कि ये बंदा चुप कर जाए, लेकिन वो चुप नहीं करता। वो चुप कब करता है, जब लिडमेर जो है ना उसकी हैट उसके सर से उतार लेता है, ठीक है, यानी हैट जो है वो उसको ये चीज़ देती, प्रोवाइड करती है कि वो अपनी तमाम चीज़ें बोल सके, ठीक है। तो लिडमेर और एस्ट्रागोन का मतलब हमने कंट्रास्ट देख लिया। अब इस पे आ जाओ ज़रा पोजो और लकी के ऊपर। पोजो क्योंकि हमने बताया कि ये, हाँ, एक और इसके बारे से मैंने ये अहम बात बताई है कि एस्ट्रागोन और लडमेर जो हैं बहुत ड्रामे में बहुत दफ़ा ऐसा भी करते हैं कि ये कहते हैं कि अब हमने साथ नहीं रहना, एक दूसरे से उतारे भी हुए हैं कि हमें एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आ जाते हैं दोबारा एक दूसरे के साथ रहने के लिए, और एक दूसरे पर डिपेंड होना चाहते हैं, ठीक। तो ये उसने, राइटर ने इन दोनों करेक्टर्स के ज़रिए से साइकी ऑफ ह्यूमन बींग्स को भी रिप्रेजेंट कर दिया है कि इंसान जो हैं वो एक दूसरे के साथ मतलब के लड़ते झगड़ते भी हैं, फाइटिंग भी उनके, लेकिन वो एक दूसरे पर डिपेंड हुए बगैर भी नहीं रह सकते, ये भी ह्यूमन बींग्स की साइकी है। हाँ, ह्यूमन बींग्स की साइकी को रिप्रेजेंट किया है कि वो एक दूसरे पर डिपेंड रहना चाहते हैं। अब इससे आ जाओ पोजो एंड लकी। पोजो एंड लकी, पोजो जो है वो एरिस्टोक्रेटिक क्लास से ताल्लुक रखता है, और लकी जो है वो ताल्लुक रखता है स्लेवरी क्लास से। अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक्ट वन के अंदर पोजो जो है वो उसके साथ काफ़ी हार्श बिहेवियर शो आउट कर रहा होता है लकी के साथ, लेकिन एक्ट टू के अंदर दिखाया जाता है कि पोजो जो है वो डिपेंड हो गया है लकी के ऊपर। इट्स मीन राइटर ने यहाँ पे इन दो कैरेक्टर्स के जरिए सिर्फ ये शो नहीं किया के एरिस्टोक्रेसी और स्लेवरी क्लास को, यानी कि वही कैपिटलिज्म और दूसरी जो क्लास है लोअर क्लास है उसको ही सिर्फ शो नहीं किया, बल्कि उसने पूरे होल यूनिवर्स के एक इशू को उठाया है कि हम तमाम तर लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल ये कर रहे हैं
कुछ लोग स्लेवरी की लाइन में आ जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो दूसरे एरिस्टोक्रेटिक की लाइन में आ जाते हैं। यानी कि हर इंसान ये कहना चाहता है, हर इंसान किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता हो, किसी भी जगह से वो ताल्लुक रखता हो, वो किसी ना किसी अंदाज में स्लेव बना हुआ है। ठीक है, किसी ना किसी की वो गुलामी जरूर कर रहा है, किसी ना किसी की वो नौकरी जरूर कर रहा है। ठीक है, डिपेंडेंट है वो किसी ना किसी पे। हाँ, एक इशू तो ये है अपर क्लास एंड लोअर क्लास का, ठीक है, और दूसरा इशू है डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन ईच अदर। या इन अदर सेंस ये दोनों करेक्टर्स इस चीज को भी शो आउट कर रहे हैं। बीए में भी हमने द फ्लाई पोइम पढ़ी थी, सॉरी शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट था कि मैन इज अ विक्टम एंड विक्टमाइजर एट द सेम टाइम। ठीक है, अब जैसे कि हमने कहा कि पोजो जो है वो पहले लकी डिपेंड कर रहा था, एक्ट वन में पोजो के ऊपर, लेकिन एक्ट टू में लकी के ऊपर पोजो डिपेंड कर रहा है, यानी वक्त एक सा नहीं रहता है। ठीक है, तो उसने ये भी दिखाया है कि इंसान जो है वो शिकार बनता भी है, विक्टम भी है, और एट द सेम टाइम वो विक्टमाइजर भी है। जिस तरह वो फ्लाई वाली स्टोरी तो इसके हवाले से फिट पहले बैठ, कौन बोली थी मंदिर में? इज अ विक्टम एंड विक्टमाइजर एट द सेम टाइम। ठीक है, तो मैं ये बात कर रही थी कि राइटर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अपर क्लास और लोअर क्लास के कॉन्सेप्ट को इन दोनों कैरेक्टर्स के जरिए से नहीं उठाया उसने, बल्कि उसने ये दिखाया है कि इंसान ह्यूमन बीइंग्स जो है वो एट द सेम टाइम विक्टर है और विक्टमाइजर भी है, और उसकी साइकी को भी रिप्रेजेंट किया गया है कि वो हमेशा ही कोई भी इंसान किसी पर डिपेंड हुए बगैर नहीं रह सकता। यानी कि लोनलीनेस, लोनलीनेस का इशू ऑफ लोनलीनेस भी उसने उठाया है इन दो कैरेक्टर्स के जरिए से, कि लोनलीनेस नहीं इंसान रह सकता। वो तो चारों कैरेक्टर्स को ही अगर देखा जाए तो लोनलीनेस का इशू भी उसने उठाया है इनके जरिए से, जिस तरह लिडविन और एस्ट्रागोन भी नहीं एक दूसरे के बगैर रह सकते थे। तो यहाँ पे भी वो उसने दिखाया है कि यानी वो ये इशू उठाना चाहता है कि इंसान जब विक्टमाइजर बन जाता है तो वो तो फिर गॉड के उस जाविये में आ जाता है। ठीक है, कि जिस तरह उसने द फ्लाई हमने पढ़ी थी ना जो बीए में, उसमें ये दिखाया था के ना वो मक्खी के साथ, मक्खी के ऊपर एक इंक का ड्रॉप गिराया उसने, फिर दूसरा ड्रॉप गिराया और फिर तीसरा ड्रॉप गिराया, और एट द एंड मक्खी मर गई। ठीक है, फ्लाई मर गई। उसने शराब पी हुई थी, उसे अपने गम थे बेटे के मरने के, उस बॉस को, और उस बॉस ने फिर उस अपना सारा का सारा गुस्सा जो था वो उसके ऊपर उतार दिया। हाँ, उसके फ्लाई के ऊपर उसने अपना सारा गुस्सा उतार दिया और फ्लाई को मार दिया। तो फ्लाई यानी के बोस को उसके दोस्त ने शराब पिलाई, ठीक है, उसने अपनी भड़ास निकाली और उस बोस ने अपने बेटे का गम लिया और वाइन पी हुई थी, और उसने उस फ्लाई को भी, यानी उस वक्त उस स्टोरी में ये दिखाया गया था कि बोस जो है ना वो गॉड है उस फ्लाई के लिए। ठीक है, जिस तरह कीड़ी या मक्खी हो, हाँ वो उसी में था, हाँ उसी में था। एज फ्लाइज टू वेंट ऑन वॉयज आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट्स। ठीक है, जिस तरह एक शरारती बच्चे के हाथ पे एक मक्खी होती है, इसी तरह हम तमाम लोग, ये इसमें आप भी ऐड भी कर सकते हो, जिस तरह शरारती बच्चों के हाथ पे मक्खी होती है खिलौने की तरह, इसी तरह गॉड के हाथ में हम लोग हैं। ठीक है, इंसान है, वो जिस तरह से चाहे हमें ट्रीट कर सकता है। तो इस तरह राइटर ने ये कॉन्सेप्ट रखा है कि आप जिस गोडो को पीछे भाग रहे हो, जिस गोड का कॉन्सेप्ट रखा है, वो कॉन्सेप्ट इंसान के अपने अंदर मौजूद है। बेसिकली वो खुद विक्टिमाइजर भी बनना चाहता है, गोड के जैसे भी वो बनना चाहता है। ठीक है, जैसे कि मक्खी के साथ वो ट्रीट कर ले। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल इशू है कि गोडो आप किसे अज्यूम करते हो, किसे लेते हो। ठीक है, ये वो लेना चाहता है। उसके बाद अच्छा बॉय की तो बात हमने कर ली थी, यानी एज अ सिम्बोलिक हवाले से भी आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई है। कल इंशाल्लाह इसकी हम शुरू कर देंगे टेक्स्ट।